हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमा का अरमान। ये क्या है मेरे हाथ में? ये लिच्ची है। तो सो कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिच्ची देख के समझ गए होंगे आज कुछ ना कुछ लिच्ची से बनाने वाली हूँ बोल के। तो आज मैं लिच्ची की खीर बना रही हूँ। फ्रेश लिच्ची मार्केट में आ गए तो ये लीचीज का सीजन है। फ्रेश लीची से खीर बनाए तो बहुत टेस्टी बनती और बहुत जल्दी से भी बन जाती। इजी रेसिपी है। तो आज आप सब जनों को लीची की खीर बताने वाली हूँ मैं। तो चलो देखेंगे लीची के खीर के वास्ते क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना। तो लीची खीर को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना बताती हूँ। चलो फर्स्ट अपन लेंगे 1 किलो लीची। लेके इसका पूरा छिलका निकाल ली मैं। अब इसको हाफ हाफ कट करके इसके अंदर से सीड निकालना है, वो बाद में निकाल लूंगी। 1/2 किलो खोवा, ये फ्रेश खोवा है। 1/2 किलो खोवा, 250 ग्राम्स मिल्क मेड, 1/2 किलो शक्कर, ये है 100 ग्राम मलाई जो मैं बाहर से मंगा ली, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ता, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, फ्रेश क्रीम 250 ग्राम। और क्या होना बोलते? 4 लीटर दूध होना, वो स्टोव पे है। चलो बता दे। तो ये 4 लीटर दूध है। दूध को 15 मिनट से मैं पका रही हूँ। अब भी इसमें बॉयल आना शुरू हो गया तो और 15 मिनट तक मैं इसको फुल फ्लेम पे रख के पकाती हूँ, नजदीक ठहर के। और इसके अंदर क्या है बोलते, कम से कम 1/2 लीटर दूध कम हो जाना जब तक के पकाना है इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या, 15 मिनट के बाद क्या करना वो सब आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे पक रहा एक 15 मिनट से दूध अच्छी तरीके से पक रहा है यहाँ पे देखो। तो इसके अंदर मैं क्या करना है बोले तो शक्कर डालना है। शक्कर डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। तो शक्कर देख के डाल लो, आपको जितना मीठा होना, कोई कम खाते कोई ज्यादा खाते तो वो हिसाब से शक्कर देख के डाल लो आप लोग। तो मैं मेरे हिसाब से मीठा बना रही हूँ, आप लोग आपके हिसाब से मीठा डाल लो इसमें। मैं 1/2 किलो शक्कर डाली, आप लोगों को कम से ज्यादा आप कर सकते हैं। अभी अच्छे से पकना, इसके बाद डालना कॉर्नफ्लोर। ये मिला रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर इसमें से। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा पानी डाल ली, पानी डालने के इसमें लम्स नहीं है जैसे, अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर को मिला लेना। मिला के दूध को लगा देना, अच्छे से मिक्स कर लेना एक बार, अच्छा सा लम्स नहीं रहना इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के पानी में। इसमें थोड़ा पानी डालने के अच्छी तरीके से मिला ली मैं। मिला के अब इसको दूध में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके डालना। तो चलो डालेंगे दूध में। बिस्मिल्लाह। स्पून से मिलाते रहना, डालते खुद में नहीं तो लम्स बन जाते। अब इसको अच्छा एक 5 मिनट तक ऐसे ही मिलाते रहना जब कॉर्नफ्लोर पूरा दूध में मिल जाता। अजाम हो रही तो 2 मिनट के बाद बताती हूँ। ये दूध है और एक 10 मिनट से अच्छी तरीके से पक रहा देखो। अब इसके ऊपर थोड़ा मलाई मलाई भी आ गई। तो अब इसके अंदर एक बार शक्कर कम है क्या ज़्यादा है क्या एक बार चेक कर लो। कम है तो थोड़ा डाल लो, नहीं तो डालने की ज़रूरत नहीं रहती। और अब इसके अंदर डालेंगे मलाई। हमारे अमान भाई चले गए तो मैं इसे रिकॉर्ड कर ले रही हूँ, एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ और एक हाथ से बता रही हूँ। तो ये मलाई डाल लेंगे अपन इसके अंदर। पूरी मलाई रखे सो इसमें डाल ले रही हूँ मैं अच्छी तरीके से। अब इसको मिला लेना डाल के अच्छी तरीके से। अब स्टोव मैं स्लो कर लेती हूँ, जब से स्टोव फुल पे था अब स्लो करती हूँ। स्लो करके इसमें क्या क्या डालना है आप लोगों को बता दी। बहुत अच्छी बनती सुख चने, प्लीज़ घर में एक बार ट्राई करो। स्टोव स्लो कर दी मैं, अभी स्लो पे पक रहा। इसके अंदर डालेंगे मिल्क मेड। हो गई बन के रेडी, हो गई, बहुत इजी है। घर में सुख चने एक बार ज़रूर बनाना लीची के सीज़न में। टिन का लीची वैसे भी रेडीमेड मिल जाता अपने को, लेकिन ये लीची की बात और ही रहती फ्रेश लीची की। तो मैं फ्रेश लीची ऐसा मैं कंपलसरी घर में बनाती हूँ। ये खीर मैं मिल्क मेड डाल दी, अब इसमें मिल्क मेड डाल के अच्छी तरीके से मिला लेना। इसके बाद क्या करना 2 मिनट से बताती हूँ। 2 मिनट अच्छा पका लेंगे इसको, फिर 2 मिनट के बाद आप सबको बताती हूँ। तो अब स्टोव स्लो कर ले हुआ है, स्लो पे है स्टोव। अब इसके अंदर डालेंगे अपन ये जो खोवा रखे थे, ऐसा डालना खोवा। ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई अपनी खीर। खाते रहे तो मुँह में थोड़ा थोड़ा खोवा आए तो बहुत टेस्टी दिखता,
उसलिए मैं इसके अंदर पानी या दूध मिला के नहीं डाल रही हूँ, पतला निकल दे रही हूँ। ये खाने में आना अपने को तो उसका टेस्ट ही अलग रहता। इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, एक बार मिला लेके स्टोव बंद कर देना। तो इसमें खोवा डाल के अच्छी तरीके से मिला लिए। अब मिला लेके 2 मिनट से पक रहा है इन्हें। अब इसको स्टोव बंद कर दे रही हूँ मैं, स्टोव बंद कर दी। तो ये लीचीज थे ना, तो ये लीचीज को मैं क्या करी, इसके अंदर से पूरे सीड्स निकाल ली। सीड्स निकाल के इसको ऐसा छोटे छोटे टुकड़े कट कर ली, बहुत छोटे नहीं करी, देखो इतने। तो ये अब इसको फ्रिज में रखना ठंडा होने के वास्ते। पहले खीर लीची इसमें पूरा ठंडा होने के बाद में डालना, अब बीच नहीं डालना। अब बीच डालने तो पूरा काले काले हो जाते हैं लीचीज। तो पहले खीर ठंडी करना, फिर उसके बाद लीची इसके अंदर मिलाना, उसके बाद गार्निश करना। क्या करना वो बाद में बता दें। तो पहले सर्व करके फ्रीजर में थोड़ा खीर निकाल के रख दे के आप लोगों को बता दें। तो चूल्हा बंद कर लिए, वैसे क्या करना बोले तो अपन इसमें क्रीम डाल लेना। क्रीम जो रखे हैं अपन अमूल का, पूरा डाल लेना इसके अंदर 250 ग्राम्स डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लो एक बार। क्रीम अच्छा मिक्स कर लेना। बन के रेडी हो गई अपनी खीर। चलो अब इसको निकाल के फ्रीजर में रखें। बिस्मिल्ला। ये खीर है, ये लीची है, दो भी लग जा के मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। फिर 1 घंटे के बाद आप सबको निकाल के बताती हूँ क्या करना है। तो खीर 2 घंटे से फ्रीजर में थी, ठंडी हो गई है। इसको गार्निश करेंगे, इसके अंदर अब डालेंगे लीची, थोड़ा पिस्ता। पिस्ता होना तो आप लोग काट के भी डाल ले सकते, आपकी मर्जी, मैं तो ऐसे डाल रही हूँ। थोड़े बादाम, ये साबित लीची थोड़ी रख ली थी वहीं, वो भी ऐसा रख देती उसके ऊपर। तो ये बन के रेडी हो गई अपनी लीची खीर, माशाल्लाह दिख रही दिखने में। तो बिस्मिल्लाह खाएंगे आओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सब जनों के लिए एक निवाला। माशाल्लाह, मैं तो नहीं बोलती, मैं हर बार बोलती, अब आप ट्राई करके बोल। बहुत बहुत टेस्टी बनी, बहुत बहुत मजे की बनी, माशाल्लाह। हर बार सामान यहाँ बैठ के हंस रहे मेरे को देख के लगा, इसलिए हंसी आ रही। बहुत बहुत अच्छी बनी, प्लीज़ घर में एक बार कंपलसरी ट्राई करो। लीची का सीज़न चल रहा है, लीची का सीज़न जाने से पहले ट्राई कर लो। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। तो ये वीडियो आप सब जनों को अच्छा दिखा तो क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो बना के कैसा बना मेरे को बोलना कमेंट सेक्शन में, तो मैं अभी वीडियोस बनाती हूँ। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।